एक महीने पहले बहुत भारी कंट्रोवर्सी हुई थी अगर आपको याद हो तो, जहां पर ऋषभ शेट्टी ताज होटल में चले गए थे धोती के अंदर, तो आए थे शायद 1-1.5 महीने पहले, उनके पहले दूसरे तीसरे इंटरव्यू होंगे। वहां पर जया बच्चन बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी क्योंकि उनकी कोई इंटरनेशनल मीटिंग थी, वहां पे बहुत भारी लोग आए हुए थे एंड ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा क्राउड आ गया एंड शी डिड नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ ऋषभ शेट्टी कि तुम यार ताज होटल में आ रहे हो, तुम धोती शर्ट में आ गए, दिस इज नॉट द वे यार, यू शुड गेट योर सेल्फ रेडी, उसके बाद ही तुम्हें आना चाहिए और भाई मजा तो अभी आएगा। उस वक्त पर ऋषभ शेट्टी का कुछ खास रिप्लाई उनको था नहीं, लेकिन इस बार जो मजा आया है वो तगड़ा। देखिए पिछली बार तो फिर भी चलो थोड़ा ब्लैक शर्ट और ऐसा तगड़ा झामे वाली चीज में आए थे, तगड़ी होती धोती होती, इस बार तो बिल्कुल नॉर्मल ऐसा। यार अगर मैं धोती के कल्चर से इतना ज्यादा क्लोज तो नहीं हूँ, कनाडा कल्चर से इतना ज्यादा क्लोज नहीं हूँ, बट भाई ये वाली थोड़ी उससे मेरे को फीकी लगी धोती एंड ताज होटल एंड एज ही एंटर लाइक पीपल लाइक सर वेलकम सर सर वेलकम सर वेलकम सर, तो ऋषभ शेट्टी का पहला होता कि भाई किसी कोई मीटिंग तो नहीं है, कोई मेरे धोती से दिक्कत तो नहीं है ना तुम लोगों को, एंड एवरीबॉडी वाज लाफिंग, सबको समझ आ गया था कि भाई किसको टारगेट कर रहे हैं एंड भाई मजा आया यार। ये चीज मिसिंग थी यार बॉलीवुड वालों की, फटती है सब करने के कि भाई क्या सोचेगा मीडिया, क्या सोचेगा भाई बंदा चला गया। तो पिछली बार भी ऐसे ही पहन के आया था धोती, इस बार भी ऐसे ही मन करा धोती पहन के आया, तो यार मेरे को तो बड़ा कूल सा लगा ऋषभ शेट्टी का ये वाला नेचर। भाई आपको कैसा लगा कि हाँ भाई ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं ना तुम लोगों को धोती से? बाकी डू लेट मी नो थ्रू कमेंट कौन कौन कंटारा टू का इंतजार कर रहा है, बाकी 2024 में आएगी 2023 में नहीं आएगी, एंड हाँ ऋषभ के फैन को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, मिलता हूँ बहुत जल्द, अलविदा।